हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपका एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। दो दिन आप सभी के बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं CISF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। तो साथियों, ये जो परीक्षा है इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, CISF के एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जिनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो चार डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लेकर जाने हैं जो इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए हैं कि चार डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। अगर आप इनको लेकर नहीं आते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको बिल्कुल अभी तैयार कर लेना है और एग्ज़ाम में लेकर जाना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर बताया हुआ है आपको दो फ़ोटो लेकर जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको दो फ़ोटो अपने लेकर जाने हैं, ओरिजिनल फ़ोटो आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर सवाल कैंडिडेट का ये रहता है कि फ़ोटो कौन से लेकर जाएं, जो फ़ोटो हमने डॉक्यूमेंट में फॉर्म भरते टाइम लगाया था वो लेकर जाने हैं या फिर नए फ़ोटो लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। आपके पास अपने दो फ़ोटो कोई से भी आप लेकर जा सकते हैं। अगर वो फ़ोटो हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगवाए थे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप न्यू फ़ोटो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपको दो फोटो ज़रूर लेकर जाने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको जो अपना एडमिट कार्ड है, दो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, CISF ने अपने नोटिस जारी कर ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि दो आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए। तो दो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर आप कलर प्रिंट भी लेकर जा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कलर प्रिंट एडमिट कार्ड निकलवा कर ही ले जाएं ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, आपको अपने जो दो एडमिट कार्ड हैं वो लेकर जाने हैं। दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने बताया है, आपको अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेकर जानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी होगी जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जो भी आईडी अपनी लगाई है, आधार कार्ड है अगर आपके पास, या पैन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में है, सेम टू सेम होना चाहिए आपकी आईडी में और आपके एडमिट कार्ड में, तो वो आईडी आप ज़रूर लेकर जाना। कोई भी एक आईडी आप लेकर जाना, यहाँ पर ओरिजिनल आईडी ज़रूर देखी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो यहाँ पर आप ऑप्शनल में दो आईडी भी, दो ओरिजिनल आईडी भी लेकर जा सकते हैं ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर आप बच सकें दूसरी आईडी दिखाकर। तो साथियों, ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ लास्ट डॉक्यूमेंट की। दोस्तों, चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर चौथा डॉक्यूमेंट है आपको अपने पेन लेकर जाने हैं। जी हाँ साथियों, दो पेन आपको लेकर जाने हैं, ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप लेकर जाना अपने। यहाँ पर ये CISF ने नोटिस जारी करके चार डॉक्यूमेंट के लिए कहा है, ये चीज़ें, चार चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं पता किसी को तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चार चीज़ें लेकर जानी कंपलसरी हैं, और अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आपको समय से पहुंचना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई भी इंस्ट्रक्शन CISF की तरफ से नहीं आया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और अगर नेगेटिव मार्किंग रही तो वहाँ पर जब आप कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा उससे पहले इंस्ट्रक्शंस आते हैं क्या क्या रूल्स हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर आपको दी जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।